हेलो नमस्ते प्रणाम। अभी मेरे पास सुबह से किसी ना किसी का फोन आ रहा है कि वो बोल रहा है कि विशाल ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है। मैं किसी को भाई तुम्हारा कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिया हूँ, जो तुम्हारा वीडियो ऑडियो जा रहा है, जब कल हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत लोग थे अगल बगल, उनकी वजह से जा रहा होगा। मुझे देना होता तो मैं लास्ट वाला भी देता जो तुम सॉरी बोले हो कि ठीक है भाई मेरी गलती थी, मैं अखिलेश कश्यप के मैटर में बीच में घुस के बोला, मैं भरा पड़ा था, मैं बोल दिया यार सॉरी। तुमने लास्ट में सॉरी बोला है कि ठीक है भाई तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, तुमने उसके लिए सॉरी बोला। मैंने वो भी वीडियो है मेरे पास, मैंने वो भी नहीं दिया अभी तक किसी को, अगर देना होता तो पूरा देता, ठीक है। और दूसरी बात, तुम जो इंटरव्यू दे रहे हो ना कल से जा करके कि मैं गया मॉल में खड़ा था 6 बजे तक, विशाल नहीं आया, ठीक है विशाल का वेट कर रहा था। अबे तू पहले एक बात बता मुझे कि तू 4 बजे का टाइम दिया था आईपी मॉल में, फिर तूने तुरंत तूने लोकेशन चेंज कर दिया क्योंकि तेरे लौंडे वहाँ पे नहीं पहुँचे होंगे, और कह रहा कि अकेले गया था। तू अकेले गया था, तेरे साथ 10 लोग थे और पुलिस वाले अलग थे, तो झूठ मत बोलो। फिर तुम वही वापस हरकत कर रहे हो, जब रात में 10:30 बजे लास्ट हमारी बात हुई है कि विशाल के बारे में मैं आज की बात कुछ नहीं बोलूंगा, विशाल को बोल दीजिएगा कि कुछ ना बोले मेरे बारे में, बाकी इसको जिसके बारे में बोलना है बोले, सब बात हुई है ना। उसके बाद भी तुम ये सब चीजें कर रहे हो ना, तो फिर से वो चीज बाहर आएगी। और अब मुझे कोई भी तुम्हारा इंटरव्यू वापस दिखा ना, तो मैं मेरे पास और भी जो रिकॉर्डिंग है ना मैं वो भी दे दूंगा, तो ठीक है। तो ये सब चीजें भी खत्म कर दो। तुमने बोला ना अपने मुंह से कि विशाल तू भाईचारे वाला बंदा है, तू मिलजुल के रहे यार, तू अच्छा बंदा है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। मैंने बोला तेरे से ना भाईचारा रखना है ना मुझसे खराब रखना, मुझे तुझसे खराब रखना है ना, मिल के रहना ना तुझसे दुश्मनी करके रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है तेरे से, तू अपने रास्ता रहा भाई, मैं मेरे रास्ते ठीक हूँ। मैं तुम लोग के लिए इतना ही काफी होना चाहिए भाई कि एक लौंडा अकेले जयपुर से बनारस तुम लोग के बुलाने पे आ गया, अभी और तुम लोग को क्या चाहिए। अब मेरी फ्लाइट लेट हो गई तो मैं पायलट बन जाऊंगा। तुम लोग पता कर लो जाके कि जयपुर में, जयपुर से कौन सी ऐसी फ्लाइट थी जो डायरेक्ट फ्लाइट आती थी, या 2 बजे पहले कोई फ्लाइट थी, 2 बजे की जो सबसे पहली फ्लाइट थी वो लेकर के आया हूँ भाई। अब क्या कर लो, वाया फ्लाइट थी वो, वाया अहमदाबाद थी। तो अभी ये सब करने कोई मतलब नहीं कि विशाल डर गया, विशाल डरा रहता तो बेटा बनारस नहीं आता। इतने दिन कल रात से आया हूँ बनारस और अभी तक बनारस में हूँ, अब जा रहा हूँ पटना। वैसे जिसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तो पटना भी जा रहा हूँ, मन करे तो पटना में मिल लेना भाई, और क्या ही बताऊँ, ठीक है। बहुत लोग बस मेरा नंबर भी है, लोकेशन निकलवा लेना अगर इतनी तथा हो तो, ठीक। अभी ये सब चीज़ें खत्म कर दो, तुमको खत्म ही करना है तो अभी ये सब छोड़ देते हैं। बाकी अगर तुमको स्टार्ट करना है तो तुम ये इंटरव्यू देते रहो और फिर वापस वही सब सारी चीज़ें करते रहो। भाई इंटरव्यू के लिए मुझे भी फोन आ रहा है, कल से मुझे कितने सारे कॉल्स आ चुके हैं, मैंने एक भी इंटरव्यू दिया, तुमने एक भी इंटरव्यू देखा मेरा जिसमें विशाल ने बोला कि हाँ मैं पहुंचा, लैंड लेट किया, या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई भी मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ कोई भी इंटरव्यू वाला डाला है। मुझे बहुत लोग फोन किए कि भाई नंबर किसी कोई बोल रहा है कि नंबर मांग रहे हैं आपका न्यूज़ वाले आपको इंटरव्यू लेने के लिए कि आप क्या हुआ कल। मैंने किसी को इंटरव्यू दिया? मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है, मैं यहाँ पे आया सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए, कोई डर नहीं रहा है किसी से, तुम लोग जहाँ बोलोगे वहां मिल सकते हो, तुम लोग आ सकते हो। मैं बुलाऊं तुम्हारे अखिलेश कश्यप को कि बनारस में रुका हुआ हूं, आ जाओ मिलने के लिए, आएगा? अबे घंटा नहीं आएगा। अभी तुमसे चीज खत्म हो गई है तो तुम भी इंटरव्यू मत दो भाई तुम्हारा। मुझे कल से बताया कि तुम बनारस में ही थे, कल तुमसे मेरी 10:30 बजे बात हुई फोन पे, तुमने क्या बोला कि मैं आजमगढ़ में हूँ, कल 10:15 बजे तुम वहां पे थे महमूरगंज में थे, मैंने तुम्हारा लोकेशन निकलवाया था, आज सुबह तुम्हारा लोकेशन निकलवाया हूँ, आज तुम लखनऊ में थे, कल तुमने सच बोला था कि तुम लखनऊ जा रहा हूँ, तो आज तुम लखनऊ में थे लेकिन कल तुम बनारस में ही थे। फिर भी मैंने मुझे उन्होंने बोला जिनके थ्रू बात हुई थी कि छोड़ विशाल जाने दे अभी खत्म कर वो चीज़, वो सामने से जब बोल रहे हैं ऐसे तो खत्म करते हैं, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। जब सारी चीज़ें खत्म हो गई ना भाई तो अब ये सब चीज़ें मत कर, हाँ। बाकी आप जा रहा हूँ पटना तो जा रहा हूँ भैया के पास, लेकिन अगर किसी को लगे कि ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है तो और वहां पर भी आके मिलके कर लेना भाई, तुम लोग के गढ़ में भी आ गया, अपने गढ़ में भी आ गया, ठीक है। तो अभी ये चीज खत्म कर दो, बाकी लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, दिल से थैंक यू।